मैं एथलेटिक्स प्लेयर हूँ, फुटबॉल प्लेयर हूँ एंड ओवरऑल गेम्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, उसमें मैंने एथलेटिक्स में मैंने पोजीशन हासिल की हुई है। सेकंड मेडलिस्ट हूँ पाकिस्तान रेलवे लाहौर से, और उसके अलावा सिंध में मेरे 4-5 मेडल लगे हुए हैं। अभी जो मैचेस हुए थे उसके बाद इस्लामाबाद में मेडल लगे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि गर्ल्स को बस एक बड़ा होना है, बस शादी करके अपने घर जाना है। उनकी भी अपनी लाइफ है, उनके भी अपने ड्रीम्स हैं, उनको भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लोगों की बातों की वजह से तो नहीं, पर ऐसा हुआ है कि अभी सिलेक्शन हुई थी मेरी नेशनल में, तो वो कैंसिल हो गई थी। तो कुछ मतलब हम छोटे शहर से हैं, कोई मतलब हमारी सपोर्ट में नहीं है, तो इसकी वजह से फिर दिल ने कहा कि भाई इसको छोड़ के आप एथलेटिक्स को ही नज़र करो। तो उसकी वजह से अब जो बड़े शहर से गर्ल्स होती हैं उनके कोचेस होते हैं, तो उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जो छोटे शहर से आती हैं, जैसे हम खैरपुर से हैं, और हमें फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलती है। मैं अपनी एकेडमी खोलना चाहती हूँ, उसमें स्पेशली गर्ल्स के लिए एकेडमी खोलना चाहती हूँ कि उनको फैसिलिटीज़ मिले। उनको जैसे कि अभी आप स्पोर्ट्स के लिहाज से देखेंगे, किसी को भी बोलेंगे नहीं हमारी बच्ची स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकती, ये माशरा ख़राब करती है, ये करती है, पॉलिटिक्स है। तो इसके लिहाज से मैं एकेडमी खोलना चाहती हूँ, अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ बच्चियों के लिए, क्योंकि हमें भी ऐसे फेस करने पड़े हैं मामला। तो इसके लिहाज से मैं ये करना चाहती हूँ, अकेडमी हो हमारी, उसमें गर्ल्स को फैसिलिटीज़ मिले। देखिए कभी कोई हर कोई जीतने के लिए खेलता है, पर जीत एक ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक बॉल के पीछे भागें और हमारी जीत हो। हम अपनी अच्छी मेहनत दिखाएंगे तो लड़कियां यूनिटी बनेंगी, तो हमारी मेहनत रंग लाएगी, और मतलब साथ होके खेलेंगी तो अच्छा खेल पाएंगी। ऐसे ना हो कि एक लड़की हो बाहर देख रही हो, दूसरी लड़की बॉल के पीछे हो, ताकि उसका काम है वो संभाले, मैं नहीं संभाल सकती। तो एक यूनिटी होती है गेम के लिहाज से, मतलब उसको चलाना पड़ता है। ऐसे पहले तो लड़कियों को घर के आने जाने का किराया वगैरह भी नहीं होता था, तो मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, तो इसके लिहाज से मैं खुद वो पे करती हूँ। और मैं चाहती हूँ गर्ल्स आगे आएँ और उनके लिए काम करना चाहिए। और जैसे ग्राउंड नहीं मिलता तो खुद बात करनी पड़ती है, मतलब बहुत सारे मामले फेस करने पड़ते हैं। फिर गर्ल्स को फैसिलिटीज़ जो हमारे साथ हुआ है वो जूनियर के साथ ना हो, तो इसलिए मैं कहती हूँ उनको सब फुल सपोर्ट देनी चाहिए ताकि वो आगे आ सकें।